कैसे जीवन में शाप आ जाता है? किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए दुष्कर्मों का फल उसे एक समय तक भोगना पड़ता है। दुनिया में आप हर चीज से बच सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकते। आपको अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। कभी कभी दुष्कर्म बहुत ज्यादा होते हैं और उसका फल बहुत ज्यादा कठोर होता है, और दुष्कर्मों का फल इतना ज्यादा कठोर होता है कि जन्म जन्मांतर तक आपका पीछा करता रहता है, जन्म जन्मांतर तक आपके साथ बना रहता है। जब आपके द्वारा किए गए दुष्कर्मों का फल क्यों मिल रहा है, इसका कारण पता नहीं होता और इसका समाधान भी पता नहीं होता, तो इसे शाप कहते हैं। पूर्व जन्म में आपने कौन से कर्म किए थे, सामान्य रूप से आप इस जन्म में नहीं जान सकते। आध्यात्मिक दुनिया की बात छोड़ दीजिए, वहां सब जान सकते हैं, लेकिन सामान्य जीवन में पूर्व जन्म के कर्मों को आप नहीं जान सकते, और इसलिए जो कष्ट इस जीवन में बिना वजह भुगतना पड़ रहा है उसे आप शाप कह सकते हैं। दुनिया में तमाम तरह के शाप होते हैं जो अलग अलग कारणों से पैदा हो जाते हैं। आपकी जिम्मेदारियां न निभाने की वजह से, दूसरों का शोषण करने की वजह से, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने की वजह से, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से जीवन में शाप पैदा होता है। क्योंकि याद रखिए, जो कर्म किया है उसका फल भुगतना पड़ेगा। सिर्फ सद्गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके शापों को, पापों को हर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है जो आपके कर्मों के बंधन से आपको मुक्त कर सके। अब एक सामान्य आदमी, एक आम आदमी कैसे इस बात को जानेगा कि उसके जीवन में शाप है या जीवन में शाप की कोई स्थिति बनी हुई है? देखिए, ज्योतिष में जो राहु और केतु है ना, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। ये छाया ग्रह हैं, लेकिन ये वो ग्रह हैं जो पूर्व जन्म से इस जन्म के बीच के बारे में बताते हैं, इस बीच की कड़ी होते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति खराब है तो आपको शाप समझना चाहिए। किसी भी तरह का शाप होगा, नकारात्मक योग होगा, उसमें राहु की भूमिका होगी, तो वो शाप समझिएगा। कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध भी किसी न किसी तरह का शाप दिखाता है या किसी न किसी तरह के गलत कर्म की तरफ इशारा करता है। कुंडली में अगर शनि के साथ राहु का संबंध हो जाए तो बहुत सारे लोग इसे प्रेत बाधा भी कहते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि शनि के साथ राहु का संबंध होगा तो पूर्व जन्म के बहुत सारे कर्जे आपके ऊपर बाकी होंगे जो इस जन्म में आप चुकाएंगे, ये भी एक शाप है। हाथों के बीचों बीच में अगर तिल हो तो पक्की तौर पे जानिए कि पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव इस जन्म पर जरूर रहेगा और इस जन्म में, इस जीवन में आपके ऊपर शाप बना रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।